खबर रामपुर से, ग्राम समाज की गड्ढे की जगह को लेकर खाली कराने गई टीम पर हमला किया। जवाब में दलित युवक को गोली लगने से मौत। रामपुर के बड़ा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद। किसी अज्ञात ने चलाई गोली, मौके पर एक दलित की मौत, दो घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ा। पुलिस प्रशासन पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हमला पथराव। सूचना पर मुरादाबाद कमिश्नर, डीआईजी, एसपी, डीएम सहित भारी पुलिस बल मौजूद। परिवार के लोगों ने एसडीएम मिलक के सहित पुलिस पर लगाया गोली चलाने का गंभीर आरोप। मीडिया से वार्ता कर कमिश्नर आजनय कुमार सिंह ने कहा मामले की जांच कर दोषियों पर होगी कार्यवाही। मूर्ति खेलने को आए तो हम बच्चे जैसे भी लेकर आए तो बच्चे सब मूर्ति पे हो गए खड़े, तो मूर्ति ना खेलते उनने गोली चला दी जाम। अच्छा, किसने चलाई? मैं जानता हूँ, बड़े गांव से आते थे लोग। हाँ, अच्छा, तो मौत हो गई। मरने वाले का नाम क्या है? उसका नाम है, इनकी देन है आज। अगर मैं कुछ बन सकता हूँ तो इन्हीं की देन है। अगर ये कमांडो इतने लोग आए हैं तो इन्हीं की देन है, सब सब बाबा साहब की देन है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने वोट गाड़ दिया, हमारे विपक्ष गंगवार बहुत लोग हैं, मैं एक एक करके नाम नहीं गिना सकता आपको, ठीक है। यहाँ पर आज एसडीएम पता ना कौन कौन आई थी, मैं रिक्शा चला रहा था, मैं रिक्शा चला के आया जैसी घर, मैंने रास्ते में खबर पड़ी मेरा भाई एक्सपायर हो गया। मुझे इतना दुर्भाग्य की बात हुई, मेरे मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं चक्कर आने लगे, मैं फिर भी घर तक आया। गोली चलाई किसी ने? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं घर तक आया, मुझे घर यहाँ पर मिली सूचना। यहाँ पर सीधे दो लोग पुलिस वाले, एक का नाम आदेश चौहान, एक का नाम ऋषिपाल, हमारी चौकी पे रहते हैं, इन्होंने ऊपर चढ़े और यहाँ पर गंगवारों के कहनों से शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। बेहिसाब दे दनादन फायरिंग की है उन्होंने, जिसमें मेरे एक भैया घायल खत्म हो गए। यहाँ पर सुमेश कुमार इसका नाम है, इसके पापा का नाम श्री केंद्र लाल, एक मेरा पड़ोसी अमित, एक मेरा भैया अमित और एक मेरा पड़ोसी गांव का, मेरी कास्ट का है, उसके भी गोली लगी है। तीन लोग इसमें, दो घायल हुए, एक मेरा भैया एक्सपायर हो गई है। और हमारे पास ना कोई जमीन ना कोई कुछ, रिक्शा चलाकर हम अपना पेट पालते थे। और आज भी आप मेरे घर जाके देख लो, रिक्शा खड़ी है, मैं अभी भी रिक्शा चला के आ रहा था, रास्ते में मुझे ये मिली बात। जी कमिश्नर साहब, एक गांव में कुछ बवाल हुआ था, क्या था पूरा, मतलब पथराव वगैरह हुआ था? दरअसल यहाँ पे खाद के गड्ढे की जमीन थी, एडी ऊपर करी, जिसको बीच में पार्ट कर ऊपर कल किया गया। और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए, उसको लेकर शिकायत हुई थी, जिस पे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा। और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जांच होगी, लेकिन इस बीच में जैसा कि तहरीर भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई, उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इस पर जाँच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से जो है युवक की मौत हुई है, ये हमें मिला है, इस पे ये जांच के दौरान ये सारे मामले आएंगे, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। घायल भी कुछ लोग? हाँ, दो लोग घायल, दो लोगों के घायल होने के भी है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और परिवार को एश्योर किया गया है, परिवार मजदूर परिवार है, उसको आश्वासन दिया गया है कि जो भी समुचित सहायता होगी उनको हम प्रदान करेंगे। अच्छा, गांव में स्थिति कैसी है? ठीक है, गांव में स्थिति बहुत खराब नहीं है, सब कुछ सामान्य है और अब इसके बाद और भी सामान्य हो जाएगी, जो चीजें हैं हम उस पे कार्रवाइयां करेंगे, उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। अच्छा सर, परिवार के लोगों का कहना है कि परिवार को एक व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी दी जाए? देखिये, मांग तो उनकी सारी है, हमने कहा है कि सब पे विचार करेंगे और जो जो सबसे पहले जरूरत अभी यह है कि जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो, घटना कम से कम ये पता चले कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसकी जांच भी हो, जो अगर ज़्यादती या कहीं पे गलती मिलती है उसमें जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, सबसे पहले प्राथमिकता ये है। उसके बाद मैंने एश्योर किया है कि उनकी सारी मांगों पर हम कार्रवाई करें। तो कि सर, इसकी जाँच के लिए कोई कमेटी गठित की जाएगी क्या? हाँ, उस पर कमेटी गठित की जाएगी जिलाधिकारी के द्वारा, उस पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी की जाएगी और इसमें सारे पहलू को देखा जाएगा, क्यों ये घटना घटी थी, उसमें कौन दोषी था। उन लोगों ने भी लिख के दिया है कि उस खाद के गड्ढे की जमीन थी, तो खाद के गड्ढे की जमीन पे क्यों इस तरीके का मसला आया, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है सर, फिलहाल सर क्या एक्शन लिया गया सर? फिलहाल तो अभी देखिए, अभी पहले पोस्टमार्टम आ जाए, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए जो कल तक आ जाएगी, उसके तत्काल बाद कार्रवाई शुरू हो जाए। ठीक है सर।
खबर भारतवर्ष के लिए रामपुर उत्तर प्रदेश से आसिम अजीज की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।